गाड़ी कहाँ तो सामने आ जाओ। अरे भाई बराबर है, बराबर है, करने दे, बराबर है, मत बोल मत बोल, सही कर रहा है। अरे सामने देख, सर यहाँ पे, सर यहाँ पे, रोहित सर, रोहित सर, नीचे आ जाना, आगे नीचे, आगे से नीचे सर, यहाँ पे वही सर शाम पानी 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 सर ऊपर पकड़ लो ना सर, आप चलो 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 मैडम साहब, चलो भाई भाई, अरे होने दो, अभी पूरा फोटो भी तो होने दो, तो जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखें तो पहला क्रेडिट तो हमारे जो मोटे साहब है इनको याद है, हमारे के वार्ड के जो असिस्टेंट कमिश्नर है, स्पेशली हमारे वार्ड में के वार्ड जो हमारा सांता क्रूज से लेके जोगेश्वरी तक का वार्ड है एंड उसमें भी जू जहाँ हम सब रहते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ हुआ है। हमारे वार्ड में करीबन 318 या 319 से ज़्यादा पेड़ गिरे हैं। बोलने के लिए तो पेड़ गिर गए, हमने हटा दिया, बट वो 30-30, 40-40 साल पुराने पेड़ थे। इस रोड का नाम गुलमोहर रोड इसलिए क्योंकि ज़्यादा ट्रीज वो हैं और उनमें से कुछ ट्रीज गिरे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये इनिशिएटिव हमने लिया है, आज आपने, हमने सबने लिया है। 10 साल बाद जब हम गुजरेंगे तो ये याद रहेगा कि हमने यहाँ पे पेड़ लगाया था और अब इसकी देखभाल करनी है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आने वाली जनरेशन के लिए, जो हमने देखना था हमने देख लिया, लेकिन अब ये ग्रो होंगे, इतने सारे ट्रीज वापस से पनपेंगे, तो आने वाली जनरेशन के लिए जो हम ये कर रहे हैं, ये यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आई एम
रियली थैंकफुल टू बीएमसी कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, यू नो, क्योंकि इजी नहीं है सबको फ़ोन करना, फिर अरेंज करना, फिर स्पॉट करना कि कहाँ कहाँ ये पेड़ गिरे हैं, इट्स और 318 हैं. एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन हु स्टेइंग उनके आसपास जो झाड़ गिरे हैं वो अडॉप्ट करें. बीएमसी इज़ रेडी टू हेल्प, क्योंकि इनका इनिशिएटिव है ये कि हम आप जाएँ बोलें कि हम अडॉप्ट करना चाहते हैं और अडॉप्ट करें पेड़. इसी के लिए तो हम ये इतना कैंपेन चला रहे हैं. सर ने जो बात बोली इससे हमारा कैंपेन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य सफल की तरफ जा रहा है, ऐसे मैं कहूँगा. ये इसमें इस कैंपेन के बारे में कहना चाहूँगा तो आज 8 जुलाई है, तो 29 मई को हमने ये हेमा मालिनी मैडम के हाथ से शुरू किया था. तो काफ़ी रेसिडेंट्स आगे चल के आ रहे हैं एंड आई एम वेरी लकी कोइंसिडेंटली यहीं इसी एरिया में ज़्यादा पेड़ गिर गए हैं. तो यहाँ पे काफ़ी बॉलीवुड एक्टर्स है, सेलिब्रिटीज़ है, तो वो भी सामने आके इस पेड़ की तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ अपना जो सेंसिबलनेस है वो दिखा रहे हैं. और उसमें हमारे लोकल काउंसिलर सुधा सिंह मैडम है, मेगा मेक अर्थ ग्रीन अगेन अनुषा मैडम है, देन आप सब है, शान जी है अपने वृक्ष नर्सरी के. तो ये टीम वर्क है, ये टीम वर्क के हिसाब से मैं हमारा जो गार्डन डिपार्टमेंट तो काम ही कर रहा है. गार्डन डिपार्टमेंट के बावजूद भी हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, SW डिपार्टमेंट है, तो ये इतनी बड़ी टीम लोग जुड़ रहे कॉमन कॉज के लिए जो एनवायरमेंट का है, पेड़ का है, और उसमें हम बहुत संतुष्ट हो रहे हैं. सर ने समय दिया, सर ने इसके प्रति अपना प्यार और अपना इमोशंस दिखाए, तो इसलिए सही में थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इससे हमारे पूरे टीम का सर एक मोरल अप हो जाएगा और हम जैसे जुड़ रहे हैं जिस कॉज को, वो कॉज आगे आगे बढ़ता जाएगा. बस यही. अनुषा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? रोहित शेट्टी बहुत दूर तक जाती है बात जब रोहित कुछ कहते हैं. आई एग्री. नॉर्मली तो कार उड़ाते हैं, आप ही झाड़ लगा रहे हैं. मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि यंग लोग और आगे आए और एनवायरनमेंट के लिए जितना वो कर सकते हैं वो करें, बहुत ज़रूरी है. तो मैं चाहूँगी कि सारे यंग लोग इस चीज़ को बहुत बहुत इम्पोर्टेंट माने और आए आगे. अच्छा रोहित जी, इसके अलावा अगर मैं हमने देखा कि दुनिया के सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने कोविड के दौरान अपनी अपनी फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, लेकिन आप एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि सूर्यवंशी को होल्ड करके रखा है, अभी भी थिएटर माहौल ऐसा है. अब आगे क्या होगा तो पता नहीं है, अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अब इस वक्त हम क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है. अब ये है कि हम सब एक साथ मिलकर, जब मैं एक साथ की बात करता हूँ तो हमारे BMC ऑफिशियल्स है, हमारी पुलिस है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हम किस तरह से सबको वैक्सीनेट करें. आप में से कितने लोग वैक्सीनेटेड है? बस दूसरा बाकी तो सबसे इम्पोर्टेंट है सब वैक्सीनेट हो जाए, फिर आगे का सोचे, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता. I think that sir is here. I think his words are golden. So he's the ultimate authority. Sita ji, आप कुछ कहेंगे? Vaccination तो आप भी करा के दे रही हैं सबको. हाँ नहीं, बिल्कुल. Every day, हर ward wise, कई waste में आया. अभी 13 center चल रहे हैं हमारे कई waste में. 13 center है और ज़्यादा ही है. और every day करीब 1500 और किसी दिन 3000 भी हो जा रहा है पर डे. सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त वैक्सीनेशन है कि मतलब डरे नहीं, जितना हो सके आप लोग भी ये चीज़ फैलाएं, मीडिया भी करें फैलाएं कि वैक्सीनेट करना बहुत ज़रूरी है, वही एक तरीका है. आपने कोविड में बहुत हेल्प की लोगों को, मतलब हर तरह से हम सबको साथ में मिलकर ही करना पड़ेगा. हम अथॉरिटी को ब्लेम नहीं कर सकते, अब हम उससे ऊपर हमें ऊपर उठना ही पड़ेगा. कितना हम अथॉरिटी को ब्लेम करेंगे? ये पेंडेमिक है जो ये जनरेशन पहली बार फेस कर रही है, इसमें हम कितने हॉस्पिटल बना लेंगे, इसमें हम कितने डॉक्टर्स, कितने BMC, कितनी पुलिस को यूज़ करेंगे? कहीं ना कहीं अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है कि हम अपना ख्याल कैसे रखें. ब्लेम करना बहुत आसान है, जैसे अगर अभी आप देखें तो कुछ फोटोज़ वायरल हो रही हैं जो हिल स्टेशंस की जैम पैक है, तो वो जिम्मेदारी हमारी है कि हम किस तरह से हेल्प करें अब, क्योंकि हम ये तो नहीं बोल सकते कि BMC ने काम नहीं किया, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, चाहे वो मुंबई की हो, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, या डॉक्टर्स हो गए,
सारे 24 घंटा लगे हुए हैं, अब वक्त है कि हमारा उनका साथ देने का। ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैम यहाँ पे थैंक यू Okay.